आज का हमारा टॉपिक है बेटा HTML टेबल्स। पिछले लेक्चर में हम HTML में हमने टेबल्स कैसे बनाना है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। टेबल आपको सबको पता है, टेबल क्या होता है? इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। डाटा को रो और कॉलम वाइज अरेंज करना। जैसे एक एग्जांपल है टेबल का, इसमें आपकी कॉलम है कंपनी, कंटेक्ट, कंट्री, तीन आपके कॉलम्स हो गए। रोज में आपका डाटा रो वाइज आ गया, जैसे कंपनी का नाम आ गया, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया और कंट्री आ गई। तो ये हम टेबुलर फॉर्म में इस डाटा को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ये टेबल हम HTML में भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम जो टैग या एलिमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेबल टैग, ठीक है। और टेबल टैग के अंदर हमें जो रो डिफाइन करनी है, रो के लिए हम यूज करते हैं TR। TR का मतलब होता है टेबल रो टैग। TH होता है टेबल हेडर। टेबल हेडर मतलब उसकी हेडिंग रो की। ईच टेबल डाटा और सेल इज डिफाइंड बाय अ टेबल TD। तो तीन चीजें होती हैं बेटा इसमें, TR, TH एंड TD, ठीक है। TR का मतलब टेबल रो, TH का मतलब टेबल हेडर और TD का मतलब टेबल डाटा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो TH के टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो बोल्ड होते हैं और सेंटर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेडिंग्स होते हैं, दे आर नेम ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इन TD एलिमेंट्स आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइंड। लेफ्ट अलाइंड का मतलब है लेफ्ट वाली साइड पे वो अलाइंड होते हैं TD वाले एलिमेंट्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा, सिंपल HTML टेबल। टेबल स्टाइल हमने ले लिया, उसका विड्थ 100%, मतलब पूरा टेबल बना दिया। सबसे पहले हमारा जो टैग आएगा, सबसे पहले आएगा टेबल रो, ठीक है। सबसे पहले आएगा टेबल रो, टेबल रो डिफाइन कर दी। इसके अंदर ही हमारा सारे के सारे हेडिंग्स आएंगे। इसमें हमने हेडिंग्स क्या ले ली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, तीन हमने कॉलम्स डिफाइन कर दिए। हेडिंग्स मतलब कॉलम्स, ठीक है। ये आपके तीनों के तीनों बोल्ड आएंगे, ठीक है, और सेंटर्ड आएंगे, टेबल के अंदर सेंटर्ड होंगे। एक बार आपने टेबल रो डिफाइन कर दी, उसके बाद उस रोज में हमने डाटा भरना है। डाटा भरने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे दैट इज TD। TD टैग से शुरू करेंगे। उसमें पहली रो में हमने क्या है, सबसे पहला हमारा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में हमने जिल दे दिया, देन लास्ट नेम में स्मिथ दे दिया, देन एज हमने दे दी 50। ये एक रो का डाटा खत्म हो गया। ये हमने रो वाइज डाटा ले रहे हैं हम। ये हमारा पहली रो का डाटा हो गया, इस TR से लेके इस TR तक, इस TR से लेके इस TR तक हमने पहली रो का डाटा भर दिया। अगर एक हम एक और रो में डाटा डालना चाहते हैं, हमने एक और रो डिफाइन कर दी, उसके अंदर डाटा डिफाइन कर दिया। तो पहली रो आपकी जो होगी दैट वुड बी ऑफ हेडिंग, उसमें तीनों कॉलम्स आ जाएंगे, हेडिंग्स आ जाएंगी, उसके बाद आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे इस तरह से, इसमें आप एक और रो ऐड कर सकते हो, तो हमने तीन रोज के लिए ये इस तरह से आपके आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो तीन चीजें होती हैं बाय डिफॉल्ट इसमें टेबल में हमारी, टेबल रो, टेबल हेडिंग और टेबल डाटा। टेबल रो में हमें टेबल हेडिंग डिफाइन करने पड़ेगी सबसे पहले, उससे हमारे कॉलम्स डिफाइन हो जाएंगे। टेबल हेडर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड और सेंटर्ड होते हैं। ये देखिए, ये बोल्ड भी है और थोड़ा सेंटर्ड होगा, ये इट वुड बी लाइक दिस, थोड़ा ये सेंटर्ड मिलेगा आपको, ये थोड़ा लेफ्ट अलाइन मिलेगा, ये इस तरह से आएगी आउटपुट इसकी ना, लाइक दिस। ये थोड़ा सेंटर की तरफ होगा, ये लेफ्ट की तरफ होगा। इसके बाद टेबल डाटा, टेबल डाटा में आपके जो आप रो वाइज डाटा एंटर करना चाहते हो वो डाटा हम TD के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हमने टेबल रो में हमने तीन चीजें डाल दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ठीक है, ये हमारे कॉलम्स बन गए। इसके बाद हमने टेबल रो के अंदर टेबल का डाटा फीड कर दिया, पहली रो का डाटा, दूसरी रो का डाटा और तीसरी रो का, फिर टेबल को क्लोज कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ टेबल। अब आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज आपका सेंटर की तरफ है, और जो जिल, ईव और जॉन जो भी डाटा है इसमें दैट इज लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। TD एलिमेंट्स आर द डाटा कंटेनर्स। TD मतलब टेबल डाटा, एलिमेंट्स आर द डाटा कंटेनर्स ऑफ द टेबल। इसमें हमारा जो डाटा है वो कंटेन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, दे कंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ HTML एलिमेंट दैट इज टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, अदर टेबल।
इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, इमेजेस भी ले सकते हैं, लिस्ट भी ले सकते हैं, दूसरे टेबल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक टेबल का सिंटैक्स। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें थोड़ा, इसको हम थोड़ा बेटर लुक दे सकते हैं टेबल्स को बाय यूजिंग सम स्टाइल शीट्स। उसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें आता है टॉपिक, दैट इज हाउ टू ऐड अ बॉर्डर टू द टेबल। अब आप ये जो टेबल देख रहे हैं इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर मतलब इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हमारा जो एट्रीब्यूट यूज होता है टेबल का, दैट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट पिक्सल्स में वैल्यू लेता है। ये आपका जो बॉर्डर होगा ये 1 पिक्सल का होगा और इसका कलर होगा सॉलिड ब्लैक। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने एक टेबल डिफाइन कर लिया, टेबल, टेबल हेडर और टेबल डाटा तीनों हमने डिफाइन कर दिए। उसका बॉर्डर हमने क्या ले लिया, 1 पिक्सल, कलर क्या ले लिया, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे। स्टाइल टैग हमने शुरू में पढ़ा था, स्टाइल टैग हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स, इट इज एट्रीब्यूट टैग विच इज यूज विद द टेबल, उसको स्टाइल देने के लिए टेबल को। ठीक है, तो इसमें हम स्टाइल क्या दे रहे हैं, उसका बॉर्डर 1 पिक्सल का बना रहे हैं और कलर उसका बॉर्डर का हम रख रहे हैं सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसके बाद हमने हेड वाले टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद बॉडी में हमने टेबल बना दिया, उसमें एक हेडिंग दे दी टेबल विद बॉर्डर, एक पैराग्राफ दे दिया यूज द सीएसएस बॉर्डर स्टाइल टू ऐड अ बॉर्डर टू द टेबल, फिर टेबल स्टाइल विड्थ हमने 100% दे दी। अब हमारा टेबल बनाना शुरू हो गया। टेबल रो में हमने पहले टेबल हेडिंग दे दी, वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। इसके बाद हमने टेबल डाटा डाल दिया टेबल रोज में, पहले में जिल स्मिथ 50, फिर ईव जैक्सन 94, फिर जॉन डो 80। तो जब हम इसको रन करेंगे इट विल बी द आउटपुट टेबल विद द बॉर्डर, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब आप इसमें देख सकते हैं जो जो हेडिंग्स हैं या जो कॉलम नेम्स हैं दे आर सेंटर्ड अलाइन, और ये हमारे हमेशा दीज आर हमेशा लेफ्ट अलाइन। ठीक है, जो हमारा डाटा है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन रहेगा और ये 1 पिक्सल का बॉर्डर हमारा एक तरह से बन गया। ठीक है, रिमेंबर टू डिफाइन बॉर्डर्स फॉर बोथ टेबल एंड टेबल सेल्स। खाली टेबल के नहीं, आपने टेबल सेल्स के लिए भी सेम डिफाइन करना है। अगर आप टेबल सेल्स के लिए नहीं डिफाइन करोगे, ये देखिए जो मैंने शुरू में लाइन बताई थी आपको, टी एच और टी डी दोनों के लिए, टेबल हेडर के लिए भी और टेबल डाटा के लिए भी और टेबल के लिए भी। अगर आप खाली टेबल लिख दोगे तो बॉर्डर आपका टेबल के चारों तरफ बन जाएगा, अंदर बॉर्डर नहीं बनेगा, ना सेल्स में बनेगा ना हेड कॉलम्स में बनेगा। तो चारों तरफ बनाने के लिए हमने तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी, टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल हेडर और टेबल डाटा। और बॉर्डर आप इसका अपने हिसाब से दे सकते हो, 1 पिक्सल से शुरू होता है, 2, 3, 4, जितना मोटा करना चाहते हो, सॉलिड ब्लैक करना चाहते हो, जो भी आप डॉटेड करना चाहते हो, इसके अलग अलग स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉर्डर वाला एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ जी, एनी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। हाँ जी सर बेटा, क्लियर है सर। क्लियर, सिंपल है ये, इट्स वेरी सिंपल। यस सर। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना नोटपैड में फाइल बना बना के, तो इट वुड बी ऑलवेज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी कम टू कोलैप्स बॉर्डर। ठीक है, इसमें हम और तरह के बॉर्डर्स भी बना सकते हैं। कोलैप्स का मतलब है एक बॉर्डर के अंदर दूसरा बॉर्डर को डाल देना। ठीक है, उसके लिए हम कोलैप्स्ड बॉर्डर यूज, कोलैप्स का मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाना। ठीक है ना, तो एक बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर में मर्ज करने के लिए हम कोलैप्स्ड बॉर्डर यूज करते हैं टेबल के अंदर। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें बॉर्डर के साथ हम बॉर्डर कोलैप्स का एक एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा, बॉर्डर हमने डिफाइन कर दिया। बॉर्डर डिफाइन करने के बाद बॉर्डर कोलैप्स को हमने कोलैप्स टाइप का कर दिया। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने वही बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स कर दिया, स्टाइल हेड, बॉडी में हमने वही टेबल ले लिया, कोलैप्स बॉर्डर्स की हेडिंग दे दी, पैराग्राफ दे दिया, इफ यू वांट द बॉर्डर टू कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर ऐड सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। इसके बाद हमने वही सेम टेबल ले लिया, हेडिंग में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डाटा हमने वही सेम ले लिया। तो जब हम इसको रन करेंगे इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, कोलैप्स बॉर्डर में आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन वाला बॉर्डर आ रहा है, बल्कि इसमें आप देख रहे थे इसमें बॉर्डर आपका 2 लाइन वाला आ रहा था। ये देखिए, ये बॉर्डर की लाइंस को इसने सिंगल लाइन में कोलैप्स कर दिया, इसको हम बोलते हैं कोलैप्स बॉर्डर। तो दोनों तरह के बॉर्डर्स आप बना सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट।
ठीक है, कोलैप्स बॉर्डर में ये मर्ज हो गए बॉर्डर आपके एक दूसरे के साथ, और सिंपल बॉर्डर में आपके वो उनमें एक विड्थ थी। ये देखिए यहाँ पे मर्ज हो गए आपके, सिंगल लाइन बन गई है, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, ये इसने दोनों बॉर्डर्स जो थे, दो बॉर्डर डिफाइन हो रखे थे आपके इस तरह के, उसको मर्ज कर दिया। ये देखिए दोनों बॉर्डर्स को मर्ज कर दिया, क्लियर कोलैप्स बॉर्डर। नेक्स्ट वी कम टू एचटीएमएल टेबल में अगली प्रॉपर्टी है, दैट इज टू ऐड सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब होता है स्पेस ऐड करना। सेल पैडिंग का मतलब है स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। सेल के अंदर या टेबल के अंदर जो डाटा है और उसका जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस देना। अगर हम कोई भी पैडिंग स्पेसिफाई नहीं करते, बाय डिफॉल्ट जो टेबल सेल है बिना किसी स्पेस के आपका आएगा। अगर हम उसमें स्पेस देना चाहते हैं तो हम पैडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। वही सेम सिंटेक्स है, इसमें हम टेबल नहीं लेंगे, इसमें हम सिंपल टेबल हेडर लेंगे और टेबल डाटा लेंगे। ये देखिए टेबल हेडर और टेबल डाटा। अब इसमें हमने पैडिंग कितनी दे दी, 15 पिक्सल, मतलब 15 स्पेस दे दी हमने। तो ये देखिए बॉर्डर से यहाँ ऊपर से और हेडिंग के बीच में ये डिफरेंस पड़ गया आपका, दिस डिफरेंस हैज बीन इंक्रीज्ड। ऐसे ही जिल और इसके बीच में भी डिफरेंस आपका बढ़ गया। अगर आप ये पैडिंग या स्पेस कम करना चाहते हो, यहाँ पे 515 की जगह 5 करके देख लेना, तो ये स्पेस आप देखोगे यहाँ से यहाँ के बीच की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेल पैडिंग जो हम यूज करते हैं, सेल पैडिंग इज यूज टू ऐड द स्पेस बिटवीन द सेल डाटा एंड इट्स बॉर्डर। आपके बॉर्डर और हेडिंग के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए हम, मतलब उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए, सेल की विड्थ बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए सारों की विड्थ हमने बढ़ा दी है। तो आप ये एग्जाम्पल ट्राई करना बाय चेंजिंग द पैडिंग टू 5 पिक्सल। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन यूज सेल पैडिंग, क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू एचटीएमएल टेबल लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स, लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स। अब हम हेडिंग्स को जो बाय डिफॉल्ट हमारी, हमने शुरू में पढ़ा था जो टेबल की हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड और सेंटर्ड होती हैं, पर जो हमारा डाटा होता है वो क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। तो अगर हम अपने हेडिंग को भी लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमने क्या लिख दिया, TH टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। जैसे ही आप TH टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लिखोगे तो जो भी हेडिंग वाला, जो कॉलम वाला डाटा है वो सेंटर की बजाय कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। वही सेम एग्जांपल हमने ले लिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर क्लैप्स ले लिया हमने, इसके बाद हमने पैडिंग 5 पिक्सल दे दी। इसमें देखो हम सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। सबसे पहले हमने बॉर्डर डिफाइन किया, फिर बॉर्डर को क्लैप्स कर दिया, उसके बाद हमने 5 पिक्सल की पैडिंग डाल दी, उसके बाद टेबल हेडिंग का हमने जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट कर दिया। तो जब हम इसको इसको रन करके देखेंगे, एंड विल रन दिस, ये पूरा टेबल वही सेम ले लिया हमने, जब हम इसको रन करेंगे इट वुड बी लाइक दिस। ये देखिए अब आपका फर्स्ट नेम लेफ्ट साइड में आ गया, लास्ट नेम भी लेफ्ट साइड में आ गया, एज भी आपका लेफ्ट में आ गया, टेबल आपका क्या बन गया, इट इज अ कलेप्स्ड बॉर्डर टेबल, और आपकी जो स्पेसिंग है वो 5 की है। 15 की आपने ऊपर देखी थी, 15 की स्पेसिंग देखो ज्यादा थी, ये 15 की स्पेसिंग है और ये आपकी 5 की सेल पैडिंग है इसमें। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन चेंज द टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी, चेंज द अलाइन लेफ्ट अलाइन प्रॉपर्टी ऑफ योर हेडिंग। जो आपके टेबल की कॉलम्स होते हैं उसको लेफ्ट में करने के लिए हम टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, यहाँ किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा यहाँ तक। हाँ जी, किसी को सर डाउट है यू क्लियर। कैन आस्क, क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू ऐड बॉर्डर स्पेसिंग। अगर हम बॉर्डर में स्पेसिंग डालना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये हम टेबल के लिए यूज करेंगे, बॉर्डर आपका टेबल का जो बॉर्डर है उसकी स्पेसिंग हम बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। वही हमने सबसे पहले एक टेबल ले लिया, उसको पैडिंग दे दी 5 पिक्सल, बॉर्डर स्पेसिंग दे दी हमने 15 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में अगर हमने स्पेस बढ़ानी है उसके लिए हम बॉर्डर स्पेसिंग का यूज करते हैं। सेम हमने टेबल ले लिया, वही डाटा ले लिया, जब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे इट वुड बी लाइक दिस। अब ये देखिए सेल्स के बीच में जो है स्पेसिंग आपकी बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्पेसिंग है ये आपकी बढ़ गई है।
ठीक है। अब अगर हम 5 पिक्सल करेंगे तो स्पेसिंग हमारी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर टेबल में आपका, अगर ये सिर्फ आपका होगा सिंपल बॉर्डर के लिए, अगर टेबल आपका कलैप्स बॉर्डर वाला है फिर इसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आप जो बॉर्डर स्पेसिंग सिर्फ किसके लिए कर सकते हो, सिंपल बॉर्डर के लिए, कलैप्स बॉर्डर के लिए बॉर्डर स्पेसिंग हम नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स, इस सेल के बीच में और दूसरे सेल के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए हम, ये देखिए इसकी विड्थ हमने एक तरह से बढ़ा दी, सेल विड्थ बढ़ा दी, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग इज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द सेल्स, ठीक है। क्लियर हुआ ये? हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी सर नेक्स्ट। ये कोलैप सर ये हाँ जी, कोलैप हाँ जी बोलिए सर ये बोलिए। कोलैप कोलैप्स में नहीं होएगा ना सर ये। ना ना, क्लैप्स में नहीं होगा बेटा, क्लैप्स में बॉर्डर स्पेसिंग हम यूज नहीं कर सकते, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ हम सिंपल बॉर्डर में यूज कर सकते हैं, जो हमारा सिंपल स्टैंडर्ड बॉर्डर है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, दो लाइन वाला बॉर्डर। अगर सिंगल लाइन वाला क्लैप्स बॉर्डर यूज करोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसमें विड्थ नहीं बढ़ेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज एचटीएबल टेबल, सेल दैट स्पैन मैनी कॉलम्स। इसका मतलब है कि हम अगर एक सेल को दो कॉलम्स में लेना चाहते हैं, एक कॉलम से ज्यादा में लेना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट। ये सारे एट्रीब्यूट आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सिंपल है ये, देखने में आपको ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है, बट व्हेन यू मेक प्रोग्राम ऑफ दीज दे आर वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। इसके लिए हमने जो ये कॉलम स्पैन हम यूज करेंगे, दैट इज यूज विद द अलॉन्ग विद द टेबल हेडर, टेबल हेडिंग के साथ या उसके कॉलम के साथ ही हमें कॉलम स्पैन देना पड़ेगा। जैसे नेम है, नेम मैं दो कॉलम्स का बनाना चाहता हूँ, ठीक है, विथ टेलीफोन, ठीक है, तो इट वुड बी लाइक दिस। इसका एग्जाम्पल ही देख लो, ये हमने एक टेबल ले लिया उसका सिंपल बॉर्डर का, फिर उसके नहीं बॉर्डर उसका हमने डिफाइन कर दिया, फिर हमने उसका कलैप्स बॉर्डर ले लिया, उसके बाद उसकी पैडिंग 5 पिक्सल कर दी, हेडिंग को हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया, उसके बाद हमने एक हेडिंग ले ली सेल दैट स्पैन्स, फिर हमने एक हेडिंग ले ली सेल दैट स्पैन्स मोर देन वन कॉलम, सॉरी फिर हमने पैराग्राफ ले लिया टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम यूजिंग कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट। अब इसमें आप देखिए ध्यान देने वाली बात कहाँ है, हमने फर्स्ट जो हेडिंग लिया नेम वाला कॉलम, उसमें हमने कॉलम स्पैन कितना दे दिया, टू, इसका मतलब ये दो कॉलम्स के बराबर जगह लेगा, टेलीफोन, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने डाटा डाल दिया, बिल गेट्स, टेलीफोन डाटा, दो बार हमने टेलीफोन नंबर दे दिया, फिर जब हम इसको रन करेंगे इट वुड बी लाइक दिस। अब आपका टेलीफोन नंबर जो है सेकंड वाला जो कॉलम था वो दो कॉलम्स में आ गया, नेम के बाद जो हमारा कॉलम था दैट वाज टेलीफोन, टेलीफोन का जो कॉलम स्पैन था वो हमने टू कर दिया था, टू करने की वजह से ये पूरे के दोनों टेलीफोन नंबर हो गए। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जैसे हमें जरूरत है, मान लो दो टेलीफोन है किसी पर्सन के, दो टेलीफोन भी हो सकते हैं, दो मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं, तो हम बजाय कि बार बार लिखने के मोबाइल वन मोबाइल टू, हमने क्या किया एक टेलीफोन की हेडिंग दे दी, कॉलम दे दिया, उसके नीचे हमने दो, उसके अंदर दो टेलीफोन हमने दे दिए। तो अगर हम दो कॉलम्स स्पैन, स्पैन का मतलब है दो कॉलम्स की स्पेस को मर्ज करना चाहते हैं इन अ सिंगल, यूजिंग अ सिंगल कॉलम, तो हम कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ ये कॉलम स्पैन? हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। बस इसमें आपने ध्यान क्या देना है कि कॉलम स्पैन आपने किसको कर रहे हो, जिसके आगे आप, जिस जिस एट्रीब्यूट, जिस कॉलम के आगे आपने करना है, उस कॉलम के आगे आपने उसका स्पैन बता देना है। अगर आप तीन कॉलम्स लेना, तीन कॉलम्स की जगह लेना चाहते हो तो तीन लिख दो, अगर बाय डिफॉल्ट वो वन कॉलम की लेता है, चार की लेना चाहते हो चार लिख दो, ठीक है। मान लो एड्रेस, एड्रेस आप चार में देना चाहते हो, चार कॉलम्स में देना चाहते हो, इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। तो टेलीफोन जो है आपका वो दो कॉलम्स की जगह लेगा, तभी हमने दो बार इसका टेलीफोन नंबर दे दिया, डाटा हमने दो बार इसका डिफाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एचटीएमएल टेबल, सेल दैट स्पैन मैनी रोज, सेल दैट स्पैन मैनी रोज। अगर हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा रो आपका जो है, एक से ज्यादा रो कवर करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रो स्पैन। सेल के लिए हमने
कॉलम के लिए हमने कॉलम स्पैन यूज किया था, रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, रो स्पैन एट्रीब्यूट। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हेडिंग होगी आपकी पहली नेम, उसका डाटा हो गया बिल गेट्स। दूसरी हेडिंग होगी टेलीफोन, टेलीफोन को हमने रो स्पैन कर दिया टू, उसका डाटा दे दिया। फिर थर्ड हमने टेलीफोन ले लिया। तो जब हम इसको रन करेंगे, व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, द आउटपुट किस तरह से आएगी, लाइक दिस। ये देखिए, अब आपका जो रो को हमने स्पैन कर दिया, हमने जो कॉलम वाइज नहीं किया, हमने रो वाइज डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रो स्पैन एट्रीब्यूट। अब हमारी आप देख सकते हो, इसमें कॉलम्स हम रो वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेम हमने रो वाइज रिप्रेजेंट कर दिया, टेलीफोन भी हमने रो वाइज रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल हो गया एक तरह से। वो वर्टिकल टेबल होते हैं नॉर्मली, ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल हो गया। इसमें आपका पहले कॉलम आ गया, फिर डाटा आ गया, फिर कॉलम आ गया, फिर डाटा आ गया। ठीक है, इसलिए जब भी हमने इस तरह का टेबल बनाना है, तो उसमें आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप टेबल की हेडिंग दोगे, फिर टेबल का डाटा, टेबल की हेडिंग, टेबल का डाटा। ठीक है, ये रो स्पैन टू था, इसलिए हमने दो बार टेलीफोन नंबर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, इज देर एनी डाउट? हाँ जी, रो स्पैन क्लियर है बेटा सबको? यस, यस क्लियर। नेक्स्ट वी हम कम तो है टू सर, बाकी जब प्रैक्टिकली करके देखना बेटा, ऐसे आपको अभी तो तभी लग रहा है पता ठीक चलेगा है, सर। तभी आप इसको करते रहा करो ना। जो भी मैं लेक्चर नोट्स इसलिए भेजता हूँ आपके पास कि आप इसकी प्रैक्टिस करा करो। नोटपैड में एक फाइल बनेगी, नहीं तो आपको मैंने एक वेबसाइट बताई हुई है, उस पर जाके आप सारे ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन एडिटर चलते हैं, HTML के दुनिया जहान के एडिटर हैं। वेब मोबाइल पे आप किसी भी एडिटर पे जाके, W3 स्कूल्स में चले जाओ, HTML एडिटर सर्च कर लो गूगल पे जाके, 10 एडिटर खुल जाएंगे, उसमें आप पूरा का पूरा कोड अपना रन करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज HTML टेबल, एड अ कैप्शन। अब हम टेबल्स में कैप्शन भी दे सकते हैं। कैप्शन मतलब उसको एक नाम दे सकते हैं, टेबल को एक अलग से नाम दे सकते हैं कि ये टेबल किस चीज़ का है। ठीक है, उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कैप्शन टैग। ठीक है, कैप्शन टैग के लिए हम कैप्शन यूज करते हैं, कैप्शन स्टार्टिंग टैग, कैप्शन एंड टैग। यहाँ पे हमने जैसे इस टेबल का नाम दे दिया मंथली सेविंग्स। ठीक है, इसमें हमने हेडिंग ले ली मंथ और सेविंग्स, डाटा ले लिया जनवरी और $100, फरवरी और $100। जब हम इसको रन करेंगे, ये हमने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसका, तो जब हम इसको रन करेंगे, द आउटपुट विल बी लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं ऊपर इस टेबल का कैप्शन आ गया, दिस इज बिकॉज ऑफ द टेबल, योर कैप्शन टैग। ठीक है, तो हम ऐसे भी अपने टेबल को नाम दे सकते हैं कि ये टेबल किस चीज़ का है। ठीक है, और टेबल टैग आप कैप्शन टैग हमेशा आपने ना टेबल टैग के जस्ट बाद ही इंसर्ट करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं टेबल डी टेबल कॉलम डिफाइन करने के बाद, टेबल हेडिंग डिफाइन करने के बाद मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, नहीं फिर नहीं चलेगा ये। आपको हमेशा टेबल टैग के बाद इसको यूज करना है, लाइक दिस, जैसे इसमें दिया हुआ है टेबल। टेबल टैग खत्म हुआ, यहाँ पे कैप्शन आ गया। ये देखो, आप ये नहीं कि टेबल रो डिफाइन करके फिर कैप्शन डिफाइन करो, कैप्शन मस्ट बी ऑलवेज आफ्टर द स्टार्टिंग टेबल टैग, उसके हमेशा बाद ही आपका कैप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशल स्टाइल फॉर अ टेबल। अब हम स्पेशल स्टाइल भी अपने टेबल में डाल सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आईडी हमने ले लिया टेबल स्टाइल वन। टेबल के अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल हैं बेटा, तो ये हमने T01 स्टाइल इसका ले लिया। ठीक है, उसका डाटा ले लिया, उसके हेडिंग्स ले ली और उसका डाटा ले लिया। तो जब हम इसको और इसके Table01 में हमने इसका स्टाइल डिफाइन कर दिया, दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द स्पेशल स्टाइल। इसकी विड्थ हमने 100% कर दी, बैकग्राउंड कलर हमने इसका F1 F1 C1, ये हेक्साडेसिमल में है, ये आपका थोड़ा येलोइश सा कलर बनेगा। इस तरह से आप इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू देख सकते हो, ये येलो कलर के लिए, येलो या ऑरेंज कलर के लिए होती है ये वाली। ठीक है, तो हमने एक स्टाइल डिफाइन कर दिया टेबल का, नया स्टाइल डिफाइन कर दिया, उसकी विड्थ हमने 100 कर दी, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। तो अब हमने इसको करना कैसे है, हमने एक टेबल ले लिया कोलैप्स बॉर्डर का, उसके बाद उसको पैडिंग कर दी, टेक्स्ट लाइन कर दिया,
फिर हमने T01 उसका एक स्टाइल डिफाइन कर दिया, उसको कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर, फिर हमने हेडिंग दे दी स्टाइलिंग टैब्स टेबल स्टाइल, और उसके डाटा को हमने इस तरह से शो कर दिया। और ये तो हो गया आपका सिंपल टेबल विदाउट एनी टेबल आईडी। फिर जब हम दूसरा टेबल ले रहे हैं विद, उसमें हमने आईडी या उसका स्टाइल दे दिया, आईडी इसका क्या था T01। तो आप देखेंगे जो पहला टेबल हमारा बनेगा वो विदाउट बैकग्राउंड कलर बनेगा, बट जब हमारा सेकेंड टेबल जो हमने विद स्टाइल यूज किया है वो हमारा बैकग्राउंड कलर के साथ बनेगा। तो इसके अगर हम आउटपुट देखेंगे इट वुड बी लाइक दिस, दिस इज योर फर्स्ट टेबल विद 15 पिक्सल विद कलेप्स बॉर्डर, दिस इज योर सेकेंड टेबल, अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी टेबल का बैकग्राउंड कलर या उसका स्टाइल अगर हम चेंज करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं, तो हम आईडी यूज करके उस टेबल का एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम और भी स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए T01 टेबल रो nth चाइल्ड इवन, इवन वाले का कलर ये ऑड वाले का कलर चेंज कर देगा, ये हेडिंग को वाइट कर देगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देगा। तो हम इसको जब रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो आप देख सकते हो इस तरह से आपका हो गया। ये देखिए आपका ऑड वाले का कलर हो गया, इवन का अलग कलर हो गया, और जो हमारा हेडिंग थी उसको हमने उसको डार्क ब्लैक कलर कर दिया था, और उसके जो टेक्स्ट था उसका हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया था वाइट, इसलिए ये इस तरह का हमारा स्टाइल बन गया। तो कहने का मतलब है हम जैसा मर्जी स्टाइल बना सकते हैं बाय यूजिंग द टेबल आईडी, आईडी टैग को हम यूज करके उसका आईडी डिफाइन करके आप उसको, आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये टेबल आईडी हमने T01 लिया हुआ है, इसको फिर हमने लास्ट में इसको डिफाइन करना है। हमने टेबल आईडी को हमने ये ऊपर शुरू में डिफाइन किया हुआ है लाइक दिस, ये देखिए इसमें हमने क्या किया है T01 TR nth, ये देखिए ऊपर देखिए nth चाइल्ड मतलब इवन, इवन चाइल्ड का मतलब है इवन नंबर ऑफ जो आपके रोज हैं, इवन नंबर टेबल रो जो इवन नंबर की है उसका बैकग्राउंड कलर आपका अलग कर दिया हमने, और टेबल रो जो ऑड नंबर की है उसका हमने बैकग्राउंड कलर दूसरा कर दिया। और हेडिंग में देखिए हेडिंग में हमने क्या किया बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट का कलर हमने क्या कर दिया वाइट। तो ये हमारी आउटपुट आ गई इट इज लाइक दिस। तो किसी भी तरह की आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हो HTML में, इस तरह से हम इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा आपका होमवर्क भी यही है कि आपने ये जितने भी मैंने आज आपको ये कराए हैं टेबल्स की, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने दी हैं एग्जांपल्स दी हैं, ये सारे आप रन करके देखना, आपको खुद मन में आएगा कि हम और एग्जांपल्स करें। यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ टेबल्स इन, अगर आप गूगल पे भी जाके देखो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट जो मेन कंसेप्ट वाले एग्जाम्पल थे वो मैंने एक एक आपको सबको इसमें करा दिया। ठीक है, तो ये था आज के बारे में टेबल्स के बारे में। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ बेटा। फ्रॉम स्टार्टिंग कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्या TR होता है, TD क्या होता है, TH क्या होता है, कैप्शन क्या किस लिए यूज करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर कलेप्स प्रॉपर्टी क्या होती है, पैडिंग किस लिए करते हैं, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी किस लिए करते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग किस लिए करते हैं, कॉलम स्पैन किस लिए करते हैं, रो स्पैन किस लिए करते हैं, और आईडी एट्रीब्यूट किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमने अभी कवर की हैं। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ आप, एनी एनी काइंड ऑफ डाउट। हाँ जी सबको समझ में आ गया सर लास्ट वाला नहीं आया वो सिग्नल चल गया ना। आईडी वाला? हाँ जी ओके सर मैं बता देता हूँ आईडी वाले में क्या है बेटा, अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेशल स्टाइल अलग से एक स्टाइल बनाना चाहते हो, जैसे मान लो आप अपने टेबल की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, ठीक है, हेडिंग की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, रोज के कलर चेंज करना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं अपना एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं टेबल का। उसके लिए हम यूज करते हैं आईडी। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं आईडी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेशल स्टाइल फॉर अ टेबल। ठीक है, उसके लिए आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब आईडी एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन कर दिया, इसको आप कुछ भी कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि T01 ही करना है आपने, इट इज अ स्ट्रिंग, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। हमने T01 दे दिया, तो इसमें अब क्या है, ये हमने एक आईडी दे दी इसकी, इस टेबल के लिए, इस टेबल को पूरा हमने डिफाइन कर दिया विद आईडी एट्रीब्यूट। इसके बाद हमने इसको डिफाइन कर दिया हैश के साथ, आपने स्पेशल स्टाइल को डिफाइन करना है हैश द नेम ऑफ द स्पेशल स्टाइल,
उसके बाद जो भी आप उसकी चीजें चेंज करना चाहते हो, जैसे विड्थ है, मैं 100 की जगह मान लो विड्थ कम कर देता हूँ, इसकी 90% कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में येलो रेड जो भी करना चाहता हूँ वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यही मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने एक टेबल जो क्रिएट किया है दैट इज विद टेबल टैग, और जो दूसरा टेबल मैंने क्रिएट किया है दैट इज विदाउट योर आईडी टैग। तो जब हम इसको रन करेंगे आप देख सकते हो ये हमारा बिना किसी आईडी प्रॉपर्टी आईडी एट्रीब्यूट वाला है, इसमें हमने कोई स्टाइल नहीं चेंज किया बट इसमें हमने स्टाइल चेंज कर दिया। ऐसे ही आप इवन ऑड रोज के भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। टेबल 01 मैंने डिफाइन कर दिया, टेबल रो nth चाइल्ड इवन, इसका मतलब जितने भी इवन नंबर ऑफ रोज होंगे उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, जितने भी ऑड नंबर ऑफ रोज होंगे आपकी उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। टेबल हेडिंग में हमने उसका कलर वाइट कर दिया, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक कर दिया, टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। तो जब हम इसको रन करेंगे आप देख सकते हो सिंपल टेबल, तो आपका सिंपल टेबल इज जस्ट लाइक दिस, बट जब हमने उसमें T01 वाली प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, उसको यूनिक बना दिया, तो आप देख सकते हो हेडिंग का जो कलर है बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और उसके हेडिंग का कलर खुद का कलर हो गया वाइट। ऐसे ही नंबर ऑड नंबर ऑफ रोज का कलर अलग हो गया, इवन नंबर ऑफ रोज का कलर अलग हो गया। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग योर आईडी एट्रीब्यूट हम टेबल के अलग अलग स्टाइल्स को यूनिक स्टाइल उसके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ इस पूरे यूनिट इसमें आपके टेबल्स के कंसेप्ट में, किसी को कहीं भी कोई डाउट है? हाँ जी बोलिए। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके, यस सर। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग, ठीक है, और पाइथन की भी प्रैक्टिस कर लेना। पाइथन में जहाँ भी कोई डाउट आता है आपको बेटा, आप जिसके पास मोबाइल है मोबाइल पे कर लो, मोबाइल पे नहीं समझ में आता कैसे करना है मैंने वीडियो डाला हुआ है उसका, वो वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपने मोबाइल पे अपनी ऐप चलानी है, कैसे उसको सेव करना है प्रोग्राम को, कैसे इंटरेक्टिव मोड में चलाना है, पूरा बताया हुआ उस वीडियो में, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है, क्लियर? यस ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।